घर में खाना बनाना स्वस्थ आहार सुनिश्चित करने के सबसे जाने माने तरीकों में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना बनाने के कई तरीकों से घर के भीतर वायु प्रदूषण होता है, जिससे हर साल 30 लाख से अधिक लोगों को समय से पहले ही अपनी जान गंवानी पड़ती है। यह प्रदूषण निमोनिया जैसी सांस की बीमारियों से लेकर स्ट्रोक, फेफड़ों के कैंसर और यहाँ तक कि असमय जन्म का कारण भी बन सकता है। भीतरी वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो हर किसी को प्रभावित करती है, विशेषकर निम्न और मध्यम आय वाले घरों को। सरे विश्वविद्यालय के ग्लोबल सेंटर फॉर क्लीन एयर रिसर्च GKER के टीम ने प्रोफेसर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में 18 देशों में 32 सहयोगियों के साथ मिलकर एक ऐसी गाइड तैयार की है जिसमें वैज्ञानिक शोध को सरल व्यावहारिक उपायों में ढाला गया है। इसके मुख्य लक्ष्यों में आम लोग और निर्णय निर्माता दोनों ही शामिल हैं। यह गाइड इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें भीतरी वायु प्रदूषण की समस्या का हल एक समग्र दृष्टिकोण पर आधारित है, जो मकान मालिकों, किरायेदारों, बिल्डरों और स्थानीय परिषदों को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करता है। इस गाइड में 10 सामान्य और 10 लक्ष्य प्रदान प्रस्ताव शामिल हैं, जो लोगों को उपयोगी और व्यावहारिक तौर तरीके समझाने के साथ साथ ऐसे सुझावों की भी बात करते हैं जिन पर अमल करने के लिए आवास प्रदाताओं और प्रबंधक निकायों द्वारा पहल किए जाने की जरूरत है। घर बनाने वालों और शासकीय संस्थानों को दिए गए सुझावों में नए घरों की डिजाइनिंग या पुराने घरों की मरम्मत करते वक्त बेहतर वेंटिलेशन और ईंधन की टिकाऊ स्वच्छ स्रोतों के इस्तेमाल पर विचार करने से संबंधित मार्गदर्शन शामिल हैं। उदाहरण के लिए गाइड में एक सलाह दी गई है कि लोगों को तलने की प्रक्रिया को कम करना चाहिए और खाना पकाने के दौरान अनावश्यक मौजूदगी से बचना चाहिए। हम आशा करते हैं कि गाइड में दिए गए सुझावों से वैश्विक समुदाय को भीतरी वायु प्रदूषण के जोखिमों को कम करने से जुड़े महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद मिलेगी। अधिक जानकारी और गाइड को डाउनलोड करने के लिए www.surrey.ac.uk/cleanairkitchens का प्रयोग करें। हम इस गाइड के इस्तेमाल के बारे में आपके निजी अनुभव जानना चाहते हैं। कृपया #cleanairkitchens का उपयोग करें और सोशल मीडिया पर हमसे इससे जुड़ी अपडेट्स साझा करें। धन्यवाद।